नमस्ते एवरीवन, आई होप यू लिडिंग वेल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरी अमेजोन से मैंने जो रीसेंट शॉपिंग की है फॉर माय यू नो डेली लाउंज वेयर, आप कह सकते हो। जयपुरी प्रिंट के, हैंड ब्लॉक प्रिंट के जो आजकल नाइट सूट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे सब जगह, तो मैंने अमेजोन पर बहुत ही अच्छी डील में ये बाय किए हैं। पहन चुकी हूँ, वॉश कर चुकी हूँ, उसके बाद ही अपना रिव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ। सो दीज आर द थ्री आइटम्स जो मैंने खरीदी हैं अमेज़ॉन से। बहुत ही अच्छी कॉस्ट पे मुझे ये डील मिली है। आपने देखा होगा आजकल यू नो दीज वाले जो नाइट सूट्स हैं, कॉटन हैंड प्रिंटेड, ब्लॉक प्रिंटेड जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एट द सेम टाइम, और कॉस्ट इतनी अच्छी मिली है ना। और मैं आपको बता दूँ कि ये सारे के सारे, ये और वो, ये दोनों मैं पहन के अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ, सो आई नो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कलर लीक करता है नहीं करता है, सारा मैं आपको डिटेल में आपसे शेयर करूँगी। ओके, सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये है एक लाउंज वेयर, एक नाइट सूट आप इसे कह सकते हो, फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड स्टाइलम। और ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल था, बट वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे, तो मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला है, विद यू नो राउंड नेक के अंदर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फ्रंट में कट दिया है इन्होंने। और इसको एज ए मेंशन मैं वॉश कर चुकी हूँ, तो इसका कलर नहीं निकलता है, ना ही इसका ये वाइट वाला जो पेंट वाला पार्ट है वो फेड होता है। थ्री क्वार्टर स्लीव्स है जिसमें यहाँ पे इस तरीके से यू नो पट्टी दी है, और यहाँ पे वाइट कपड़े से इन्होंने पाइपिंग दी है, विच लुक्स वेरी डिसेंट एंड क्लासी एट द सेम टाइम। और नीचे से जो इसका घेरा है वो ए कट है, आई मीन नॉट ए शेप तो है ही, बट ये साइड से इसके जो कॉर्नर्स है ना वो इस तरीके से राउंड कॉर्नर्स है। बहुत स्मार्ट लगा मुझे, मैंने एक साइज़ बड़ा मंगाया था। जनरली मैं नाइट सूट्स यू नो लार्ज पहनती हूँ, बट मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्डर किया बिकॉज आई हैड अ डाउट कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, बट ये धोने के बाद बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है। लेकिन एनीवेज मुझे ये खुला भी बहुत पसंद है, क्योंकि यू नो स्लीप वेयर में यू नीड लिटिल लूज क्लोथ्स, सो बहुत ही अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी लगी। पजामा ऑल्सो कम्स विद द इलास्टिकेटेड बैंड है, ऐसे बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का, खुला डुल्ला एकदम, आप इसको देख लो कितना ज़्यादा खुला है इसका ये पजामे का। दिस इज़ द यू नो सेंटर पार्ट, यहाँ से लेके पूरा शुरू होते हुए यहाँ तक है एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में। और नीचे भी इन्होंने दोनों साइड इस तरीके से यू नो पट्टी डाल के और यहाँ पे पाइपिंग दी है वाइट, विच लुक्स वेरी नाइस। एक साइड राइट साइड पे इसमें एक सिंगल पॉकेट भी दी गई है अंदर, टू कीप योर यू नो इम्पोर्टेंट थिंग्स और एनीथिंग। स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे, बट अच्छी आई मीन अच्छा कंफर्टेबल है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक यूज़ किया गया है। फैब्रिक आई एज आई मेंशन गर्मियों के हिसाब से इट्स वेरी एप्ट, मतलब ये ना तो सी थ्रू था और ना ही यू नो ऐसा लगा कि मोटा है गर्मी लगेगी। आई रियली लाइक दिस। कॉस्ट क्या है मैं स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी और मेरा साइज़ भी। सेकेंड वन है ये नाइट सूट, विच इज़ ब्रांड का नेम मैं आपको मेंशन करूंगी स्क्रीन पे। और ये भी आजकल जो जयपुरी प्रिंट में यू नो नाइट वेयर चल रहा है, पजामा एंड शॉर्ट कुर्ती स्टाइल, ये उस तरीके से है। ये तो आ जाता है इसका नेक, अगेन विद अ राउंड नेक विद अ वी कट, और छोटी स्लीव्स हैं इसकी यहाँ से लेकर यहाँ, मैं कहूँगी सिक्स इंचज के करीब, साढ़े छः इंच के करीब इसकी स्लीव्स हैं। अच्छी कम्फर्टेबल खुली डुली है, और अगेन ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में मंगाया क्योंकि मुझे था कि ये भी श्रिंक ना हो जाए, प्योर कॉटन है। ये वाला भी 100% प्योर कॉटन था और ये वाला भी 100% प्योर कॉटन है। और नीचे से ये पूरा ऐसे साइड से इसके जो यू नो फ्लैप्स हैं ये जुड़े हुए हैं, साइड से पूरा स्ट्रेच्ड है और ए लाइन है, इस तरीके से आएगा ये, दिस वन, ठीक है। और इसका जो पजामा है वो है अगेन इलास्टिकेटेड बैंड के साथ आता है, इंडिगो प्रिंट लग रहा है आपको स्क्रीन पे ये, बट ये हल्का सा वॉयलेट, जामनी और यू नो वाइट या क्रीम कॉम्बिनेशन का है, इट्स नॉट एग्जैक्टली इंडिगो। वहाँ पे यू नो वेबसाइट पे भी इंडिगो ही लिखा है इसके बारे में, बट ये एग्जैक्टली इंडिगो नहीं है। यहाँ यू नो ये फ़ोन के कलर्स में भी इंडिगो दिख रहा है, बट एक्चुअली ये वॉयलेट है, ब्रिंजल वाला जो कलर होता है वो। तो इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है विद स्ट्रिंग अटैच्ड, कॉटन की ही इन्होंने स्ट्रिंग बनाई हुई है। अगेन बहुत ही खुला डुल्ला पजामा है, सेम प्रिंट का, कोई पाइपिंग वाइपिंग नहीं है। राइट साइड पे अगेन इसमें भी अच्छी खासी डेप्थ वाली पॉकेट है। इसको वॉश करने के बाद
बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। जस्ट एक पॉइंट इसका ये है कि इसका कलर यू नो लीक होता है, क्या कहते हैं हम उसको, ब्लीड होता है। यस, सो दिस इज़ द वन, इसका कलर ब्लीड होता है। अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट मुझे बहुत अच्छी पड़ी। इसको सेपरेट धोना पड़ेगा आपको, या फिर यू नो होता है ना वो नमक के पानी में भिगो के रखो, वो वाला काइंड ऑफ। इसको भी मैं दूर से एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से इसकी शर्ट है, पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है। दिस इज़ द वन, ठीक है, ऐसे इसकी शर्ट है। एंड दिस इज़ द पजामा विच कम्स विद बॉटम लेस। एंड देन लास्ट वन जो मैंने ऑर्डर किया है, इट्स अ टी शर्ट फ्रॉम वेरो मोडा। 1800 इसकी कॉस्ट थी, बट ये मुझे 649 और 45 रुपीज़ की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल गई। इट्स लाइक अ डस्की पिंक कलर, बहुत ही प्यारा कलर है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एकदम ऐसा ही है। सो इट्स अ वी नेक टी शर्ट, और नेक के ऊपर इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर यू नो हल्का हल्का सा ये नेट का डिज़ाइन दिया हुआ है, विच लुक्स वेरी यू नो शीक एंड एलिगेंट। वो हल्का सा जो नेट आ रहा है ना फ्रंट में, वो जब आप पहनते हो तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। और फ्रंट से जो फैब्रिक है, इट्स लाइक अ डल साटन मटेरियल, आपको शाइन से समझ आ रहा होगा किस तरीके का फैब्रिक है। हल्का सा साटन वाला फील है इसका, बट शाइनी नहीं है, डल साटन वाला टाइप का है। और पीछे से इसमें जो फैब्रिक है, इट इज़ होजरी, वेरी फाइन क्वालिटी, बहुत पतली समरिश टी शर्ट है, एकदम गर्मियों के लिए तो बहुत एप्ट है। और अगेन शॉर्ट स्लीव्स है, स्लीव्स पूरी ही साटन फैब्रिक की है, सिर्फ बैक वाला जो पार्ट है इस टी शर्ट का, दिस इज़ होजरी। फ्रंट एंड स्लीव्स आर ऑल यू नो साटन मटेरियल। और नीचे से अगर आप देखें तो टी शर्ट में साइड में इस तरीके से कट है, बैक वाली जो साइड है वो थोड़ी सी लंबी है फ्रंट वाली साइड से। यहाँ आपको इनका वेरो मोडा का यू नो टैग मिल जाएगा। और आई मीन आप इसको जेगिंग्स के साथ या लेगिंग्स के साथ ना, जो टाइट फिटेड वाली होती है, उनके साथ बड़े आराम से इसको आप पहन सकते हो, या फिर हाई वेस्ट जो पैंट्स होती हैं उसके साथ आप इसको टक इन करके अंदर की तरफ पहन सकते हो। बहुत ही एलिगेंट टॉप लगा मुझे, इट्स अ वेरी गुड बाय। आप ख़रीदना चाहें तो मैं लिंक सब चीज़ों के यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं।